हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरह का डिज़ाइन बनाना बताएंगे आपको, जो कि दो तरह से हम बनाए हैं। एक तो हमने सिंधी का फ्लावर बनाया है, सिंधी डिज़ाइन है, और एक जो हमने बनाया है ये दूसरा भराई वाला वर्क है, जो कि हमने चैनल पर बहुत पहले भी डाल चुका है। तो ये दूसरे तरह का सिंपल वर्क है जो मैं बनाऊँगी, तो आप देख सकते हैं, इससे सीख सकते हैं, फॉलो करेंगे तो इसको आप साड़ी के किनारे पर बना सकते हैं, या सूट का जो गला होता है यहाँ से कटिंग जो होता है, तो जो ये फ्लावर बनाया है इसको इस साइड बना लेंगे आप, तो दोनों साइड में ये आ जाएगा। सूट के नीचे के किनारे पर भी बना सकते हैं, बाजू पर भी बना सकते हैं। डिजाइन हम बता रहे हैं आपको, जहाँ भी सुंदर लगे उसके हिसाब से आप इस फ्लावर को बना सकते हैं। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से हम बताए हैं और समझ में भी आ जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करें। पहले हम इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लाइन लगाएंगे इस तरह से, और फिर एक इसके नीचे या ऊपर हम लगा लेंगे इस तरह से। पहले इस तरह से लाइन लगाएंगे, इसके बाद हम देख लेंगे कि कितना इंच का हमें फूल बनाना है, उसके हिसाब से हमें फिर बनाना है। यहाँ पर जैसे 2 इंच का बना लेंगे, और इधर से भी 2 इंच हम ले लेंगे। लेकर के इसको हम इस तरह से लाइन बना लेते हैं पहले। इसको हमने बना लिया है, इसके बाद इसको यहाँ से हम इस तरह से 2 लाइन हमने लगा लिया है। इसके बाद इस तरह से यहाँ से हम इसको आप इंच से भी नाप सकते हैं, इसकी दूरी कितनी है। तो ये देखिए 2 इंच है, इसकी भी 2 इंच है। इसी तरह से आप ले लेके जहाँ पर जिस शेप का बनाना है उस शेप का आप निशाना लगा लेंगे इस तरह से। पहले हम निशाना लगा लेंगे, इसके बाद इस पर वर्क करेंगे। तो आइए वर्क करना बताते हैं। वर्क के लिए पहले यहाँ से पहला वाला स्टेप जो हम बनाते हैं उसी तरह से इसको बनाएंगे। इसको सूट पे भी हम ये वाला डिजाइन यूज कर सकते हैं, साड़ी का किनारी हुआ उस पर भी हम इसको बना सकते हैं। इस तरह से पूरे लाइन को हमें कंप्लीट करना है। कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक, फिर आगे वाला स्टेप आपको बताएंगे। यहाँ तक इसको हमने बना लिया है, अब बैक वाला डिजाइन हमको बनाना है। पहले ये वाला लाइन कंप्लीट करेंगे तब आगे वाला स्टेप आपको बताएंगे। तो इसके बाद वाला स्टेप हमें कौन सा बनाना है। डिजाइन हमने बहुत सारे बनाए हैं सिंधी के चैनल पर डाले हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जितने भी तरह के सिंधी से रिलेटेड आपको डिजाइन चाहिए मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से पहले ये वाला स्टेप हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक, इसके बाद हम आपको आगे फिर बताएंगे। यहाँ तक हमने इसको बना लिया, इसके बाद ये वाला स्टेप यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे और नीडल को नीचे की तरफ करके हम निकाल देंगे। इस तरह से ये लाइन हमारा कंप्लीट है। अब आगे वाला स्टेप हम बताएंगे। अगर आप चाहेंगे तो आगे वाला स्टेप इस धागे से भी बना सकते हैं, दूसरे धागे से भी बना सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद है उसको आप यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ से इसकी भराई भी शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा सा भराई भी हम बता देते हैं आपको, क्योंकि जिस धागे से हम बनाए हैं उसी धागे से इसकी भराई करेंगे। ये देखिए
इस तरह से हम इसको भर लेते हैं। इसी तरह से इसकी भराई हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से जब हम इसकी भराई शुरू कर रहे हैं तो भराई कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए आगे वाले स्टेप हम आपको यहाँ से बना करके बता रहे हैं। उसके बाद इसको इधर हम घुमा लेंगे इधर वाला लाइन पूरा करने के लिए। इसके बाद फिर यहीं से हम निकालेंगे और आगे वाला स्टेप पूरा करेंगे। आपको जिस पर भी बनाना हो उसके हिसाब से आप इसका हाइट कर सकते हैं। इसको छोटा आकार में भी बना सकते हैं, इससे बड़ा आकार में भी आप बना सकते हैं इसको। इस तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से इसको हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके आगे आपको बताएंगे। एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ, आपको यहाँ से इसको बता रही हूँ कि इसको हमें कैसे बनाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको निकाल दिया है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन जाएगा। मैं आपको सारा स्टेप इसमें वन बाय वन करके दिखा रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं। तो इसको इसी तरह से हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है। ये देखिए ये हमारा बन के कम्प्लीट है, मैं आपको अच्छे से दिखा रहे हैं। और ये नीडल को नीचे करते हुए यहाँ पर इसको हम स्टॉप कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इस डिजाइन को बना लेंगे। अब इसके आगे वाला डिजाइन हम आपको बनाना बताएंगे। इसके आगे जो हमें डिजाइन बनाना है उसको यहाँ से इस तरह से हमें लेके जाना है। इसके बाद इसको हमें यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। यहाँ से बनाने के बाद में हम इसको यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर ले आएंगे। यही लाइन हम यहाँ पर लेकर के आ जाएंगे, आ करके ये दोनों के बीच में यहाँ बना करके इसको यहाँ पर बनाते हुए यहाँ पर हम ले आएंगे। ले आके यहाँ पर करके यहाँ पे करके हम इसको यहाँ पे हम बंद कर देंगे। इस तरह से इस डिजाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक फ्लावर देखिए बना करके कंप्लीट कर दिए हैं। अब एक हम गैप दे करके एक बनाएंगे, नहीं तो हमारा ये ज़्यादा ही सट जाएगा। यहाँ पर हम पत्ती की तरह बना सकते हैं। अब देखिए अब मैं आपको और एक बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से इसको हम बनाएंगे।
फिर ये दोनों लाइन के बीच में एक हमें बनाना है और ये ठीक इसके नीचे इसी लाइन पर बनाना है। और एक हमें इसके ऊपर बनाना है और फिर ये दोनों के बीच में एक फंदा हमें निकालना है यहाँ पे, और फिर इसी में फिर एक निकालेंगे और एक हम सीधे यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर मतलब इसके नीचे हमें बनाना है। और जैसे यहाँ पर हमने एक अटैच किया है कोने पर, वैसे यहाँ पर अटैच करके यहाँ से इसकी हम फिर से भराई शुरू कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए एक फ्लावर और हम बना करके आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से हमारा यहाँ पे ये वर्क बन के रेडी है। यहाँ पर आप चाहेंगे तो कोई भी आप पत्ती बना सकते हैं, यहाँ पर कोई पत्ती बना सकते हैं या कोई आप स्टोन लगा सकते हैं, नहीं तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। बहुत ही प्यारा और सुंदर लुक आएगा इसका। सूट का गला है तो उसका इस तरह से घुमा करके गोल दोनों साइड से आप बना सकते हैं। यही वाला फ्लावर आप इस साइड से भी बना सकते हैं, जो इधर आ रहा है हमारा फ्लावर वो फ्लावर हम इधर बना सकते हैं। और ये हमारा गले का शेप हो जाएगा कटिंग के लिए, बहुत ही सुंदर लगेगा फ्रेंड्स। तो आप भी बना करके जरूर ट्राई करिएगा और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में। थैंक यू।